अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल में खारे बिस्किट। किस तरीके से बेकरी वाली रेसिपी आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। असल ओरिजिनल कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। कम क्वांटिटी में बनाएंगे, होममेड बनाएंगे, ऐसी रेसिपी बनाएंगे कि आप अपने घर में बआसानी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, बेकरी स्टाइल में खारे बिस्किट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, घी जमाने के लिए मैं ये वाला घी इस्तेमाल करता हूँ, दानेदार घी। आप देख सकते हैं जमा हुआ, और कंपनी का भी नाम मैं आप इसका दिखा देता हूँ। बट आपको किसी भी कंपनी का लेना हो, घी आपका दानेदार होना चाहिए, लिक्विड शेप में ना हो। तो इसी को मैं गर्म करके जमाऊंगा कैसे, वो अब आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने लिए थोड़ी सी बर्फ़ के क्यूब्स लिए हैं, थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पानी डाला है, घी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म किया हुआ है, तो घी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 पाव 250 ग्राम 1 चम्मच लेंगे, उसकी मदद से इसको आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे इस तरीके से। तो घी दोस्तों, जब भी आपने बर्फ़ के पानी में डालना है, गर्म घी डालना है, ठंडा घी ना हो। अगर जो घी ठंडा होगा तो इसके अंदर दाना आ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये बहुत ही अहम है टिप घी को जमाने की। तो इस तरीके से इसको जमाएंगे और 24 घंटे के लिए इसको रख देंगे इसी पानी में। तो दोस्तों, तकरीबन 2 से 3 दिन बाद आज ये मैं रेसिपी बना रहा हूँ घी जमाने के बाद। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले नमक शामिल करेंगे, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, पिसी हुई चीनी ये शामिल करेंगे। आप घर में भी पीस के डाल सकते हैं, या दानेदार चीनी भी कोई इशू नहीं है। और पानी नॉर्मली मैं ले रहा हूँ इसके लिए। तो जहाँ पे दोस्तों सर्दी ज़्यादा हो, वहाँ पे आप हल्का नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं। गर्मियों के मौसम में आपने नॉर्मल ही पानी लेना है। और 300 ग्राम मैदे के मैं बनाऊँगा खारे बिस्किट, और मैदे को अच्छे से गूंदना है। दोस्तों, मैदा गूंदने की इसमें टेक्निक होती है कि मैदा जो हो उसके अंदर चिपक नहीं होनी चाहिए। एक उसमें चिपक ना हो, दूसरा सख्त ना हो, बिल्कुल नॉर्मल मैदा हो। इसको गूंदना आपने बहुत अच्छे तरीके से है। तो अब इसको मैं टेबल से बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से गूंदना है। कमर्शियल लेवल पे जो खारे बिस्किट बनते हैं दोस्तों, उसका मैदा तकरीबन 30 से 40 मिनट तक मशीन में गूंदता है। तो आपने कम से कम 10 से 15 मिनट तो इस पर मेहनत करनी है लाजमी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी वीडियो स्किप भी की है मैदा गूंदने की। तो अब इसके अंदर मैं घी थोड़ा सा इसको रेस्ट दे के फिर इसके अंदर घी ऐड करेंगे। 10 मिनट इसको रेस्ट देते हैं। तो दोस्तों, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कम से कम 3 दिन तक ये घी मेरा पानी में पड़ा रहा था। मैं कुछ दूसरी वीडियो मैंने बनाई तो इस चक्कर में मैं ये वीडियो बना नहीं सका। तो 3 दिन के बाद आज मैंने इस घी को पानी से बाहर निकाला है और अच्छे से इसको निचोड़ लिया था। तो 300 ग्राम दोस्तों मैदा है, तो 250 ग्राम मैं इसके अंदर घी ले रहा हूँ। तो इस तरीके से बीच में एक ब्लॉक बना के इसके बीच में रख देंगे। आप 200 ग्राम घी भी ले सकते हैं, मैं 250 ग्राम ले रहा हूँ घी। अच्छे से इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। सिंपल रेसिपी है, असल रेसिपी है, जिस तरीके से कि बेकरियों में बनते हैं, ये वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। परफेक्ट है, और कोशिश करके एक एक स्टेप आपके सामने आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप घर में ये बना सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि जिन बहनों के पास ओवन नहीं है, वो पतीले में भी ये बना सकें। तो सबसे पहले इसको बेल लेंगे। तो दोस्तों, 2 दफ़ा इसको बेलना होता है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, पहली मरतबा इसको बेल रहे हैं। और गर्मियों में आपने क्या करना है और सर्दियों में आपने इसको पफ पेस्ट्री को कैसे बेलना है, ये छोटी सी एक टेक्निक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों देखें, ये 300 ग्राम मैदा है, इसको बेलना काफ़ी पतला है। जितना ज़्यादा आप इसको पतला बेलेंगे, उतने ही अच्छे आपके खारे बिस्किट बनेंगे। या आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, इससे पैटिस बना रहे हो, कुछ भी, तो उतनी ही ये करारी बनेगी, खस्ता बनेगी और क्रिस्पी भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 300 ग्राम मैदे को मैंने कितना बड़ा इसको बेला है। और इस तरीके से इसको इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे साइडों से भी इसको तेज दे लेंगे, थोड़ा सा दबा लेता हूँ मैं हाथ से ताकि चिपक जाए इस तरीके से। थोड़ा साइडों से निकला हुआ इसको अंदर कर देंगे।
तो अब इसको रेस्ट देंगे दोबारा से तकरीबन 10 से 15 मिनट, उसके बाद इसको बेलना है हमने। तो इसको मैं सीधा करके एक कवर करके रख दूंगा, थोड़ा सा मैदा भी ऐड कर देता हूँ इसके नीचे ताकि ये चिपके ना नीचे, क्योंकि 10 से 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट देना है। तो अच्छे से इसको मैंने कवर कर दिया है और इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे और फिर मैं आपसे मिलता हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों 15 मिनट इसको रेस्ट दिया है, थोड़ा सा मैदे की डस्टिंग करेंगे। मैदे की डस्टिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है, ऐसा ना हो कि ये आपके टेबल पे चिपक जाए सारा का सारा, क्योंकि इसके अंदर घी होता है थोड़ा सा ज़्यादा मिकदार में। तो मैदा आपने प्रॉपर लगाते रहना है नीचे, चिपके ना। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बेलन इसके बीच में थोड़ा हल्के हल्के से ऐसे लगाएंगे। तो आपने एकदम से बेलन को ना चलाया करें, उससे जो घी है वो पूरा नीचे तक फैलता नहीं है दोस्तों। पहले आराम आराम से, जैसे मैंने भी बेलन से इसको थोड़ा सा फैलाया था ऐसे फैला के, और फिर इसको बेला करें। तो बेलने की भी थोड़ी सी टेक्निक है, ये भी आप वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, पूरी देखनी है ताकि बेलने की टेक्निक भी आपको समझ में आ जाए और किस तरीके से मैं बार बार डस्टिंग कर रहा हूँ ये भी आप लाजमी देख लें और पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है अगर जो आपने मेरी पूरी वीडियो ये देख ली एक मरतबा, तो आप बआसानी अपने घर में ऐसे ही बना सकते हैं खारे बिस्किट। सिर्फ घी इसके लिए आपने दानेदार घी को तलाश करना है। तो देखें दोबारा भी जब मैंने इसको बेला है तो तकरीबन उससे थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, उससे छोटा नहीं रखा, और ऐसे इसको तय देंगे दोबारा भी, आप देख सकते हैं। तो जितना दोस्तों आप इसको पतला करेंगे उतने ही आपके अच्छे खारे बिस्किट बनेंगे। इस तरीके से तो अब इसको मैं रखने लगा हूँ फ्रिज में, फ्रीज़र में 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद जब हम इसको बेलेंगे, ओवन को भी गर्म करेंगे तो कटिंग करनी है हमने। तो इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़र कर लिया करें 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, फिर जो आपके खारे बिस्किट हैं ये और भी ज़्यादा प्रूफ हो जाएंगे, फूल जाएंगे अच्छे से। तो ये छोटी सी टिप है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा मैंने मैदा इसके ऊपर डस्टिंग कर दी है, एक ट्रे ले लेंगे, इसके अंदर इसको रखेंगे, ऊपर इसके कवर करेंगे ताकि ऊपर से सिकरी ना आए, सूखे ना। और फ्रीज़र में मैं इसको रख दूंगा 10 से 15 मिनट के लिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। तो दोस्तों 10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, तो जो इसके अंदर घी जमा हुआ था पहले थोड़ा मुझे मेल्ट लग रहा था, तो अब ये सेट हो चुका है। तो गर्मियों के मौसम में दोस्तों आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर फ्रीज़र में रखना है कटिंग करने से पहले, उससे और भी आपके अच्छे बनेंगे ये खारे बिस्किट। और इसको बेलना कितना पतला है ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब इसको सिर्फ़ और सिर्फ हमने बेल के काटना है, क्योंकि अक्सर बहनें ये गलती करती हैं, इसको मोटा बेल देती हैं, इसको मोटी कटिंग करती हैं, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बन पाते, बीच में से कच्चे रह जाते हैं। तो बेलने का भी आप ज़रूर देखिएगा कि लास्ट में मैं इसको कितना पतला बेल के कटिंग कर रहा हूँ, आप ये देख लें। तो थोड़ी सी डस्टिंग और कर दूंगा ताकि चिपके ना, जब मैं इनको बेल कटिंग करूं तो ये टेबल के साथ ही ना चिपक जाएं। और दोस्तों आपने जब इसको बेलना है तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही जैसा हो, कहीं से मोटा या पतला ना हो। तो अगर जो आप इसको मोटा पतला कर देंगे तो थोड़े से आपके जो खारे बिस्किट हैं कोई ज़्यादा प्रूफ हो जाएगा, कोई कम प्रूफ होगा, तो ये याद रखिएगा। और इसकी जो वेस्टेज है उसको हमने ज़ाया नहीं करना, उसके भी हमने खारे बिस्किट ही बनाने हैं। तो छुरी की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, आप पिज़्ज़ा कटर से भी इसको कटिंग कर सकते हैं। तो ये बनाएंगे दोस्तों हम नमक पारा शेप में। तो अब इसको नमक पारा शेप दे लेते हैं, एक पट्टी को उठाएंगे, इसको साइड पे करेंगे इस तरीके से, और इसको हमने कटिंग करनी है नमक पारा शेप में। तो मैं इसका जो थिकनेस है वो फिर आपको दिखा देता हूँ, इसकी जो हाइट है तो आप ये देख सकते हैं, मैंने वीडियो स्लो कर दी है इस टाइम पे आके। तो इससे ज़्यादा मोटा आपने नहीं रखना, बस इतना ही ये याद रखिएगा, इसको जहन में बिठा लें आप। और तमाम के तमाम पीसीज ऐसे कटिंग करेंगे। ओवन मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया है 180 पे, 180 से 200 पे इसको पकाएंगे। तो दोबारा आपको दिखा देता हूँ, अब लेंगे हम ओवन की जो ट्रे है वो ले लेते हैं। तो एक पट्टी में और कटिंग कर दूँ,
आप दोस्तों इसको कोई भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। तो अब इसको ओवन की ट्रे में लगा लेंगे, थोड़े थोड़े से फासले से लगाएंगे, ज़्यादा फासले से नहीं, ताकि ये खुदा ना खास्ता ज़्यादा प्रूफ भी हो तो एक दूसरे के साथ चिपक ना जाए। अब एक अंडा लेंगे, उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। अंडा अप्लाई करने से दोस्तों कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छा आता है, खूबसूरत लगते हैं। आप चाहें तो पानी का ब्रश भी कर सकते हैं। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है 180 पे, इसको रख देंगे 20 से 25 मिनट में ये पक जाएंगे, और साथ साथ में आपको दिखाऊंगा भी। तो दोस्तों ये मैंने ली है पिज़्ज़े की ट्रे, तो ये थोड़ी सी वेस्टेज जो साइडों से बची है कटिंग करने के बाद, तो ये मैं बनाऊंगा पतीले के अंदर प्रेशर कुकर में। तो इसके ऊपर भी अंडा अप्लाई करेंगे, और प्रेशर कुकर मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो ये गर्म है, हल्की हल्की सी आँच इसके नीचे चल रही है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। जब तक हमारे दूसरे बिस्किट पक रहे हैं ओवन के अंदर, इसको हम पतीले में पकाएंगे। इसको कवर कर देते हैं, और आँच सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आप इसकी देख लें, इससे ज़्यादा तेज़ आँच आपने नहीं रखनी। कम से कम 40 से 50 मिनट के अंदर ये पतीले के अंदर बेक हो जाएंगे, तो इतना ही आपने इसको टाइम देना है। तो माशाल्लाह से ओवन वाले जो हैं हमारे खारे बिस्किट तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। तो इसको इस तरीके से जाली पे निकाल लेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी ऐसे पकाएंगे। तो दोबारा ओवन में रखेंगे 180 पे ही, 20-25 मिनट दोबारा इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से ये भी हमारे पक चुके हैं, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं ये। तो अब जो हमने प्रेशर कुकर में पका रहे हैं उसको भी चेक करेंगे। पहले इसको मैं एक ट्रे के अंदर एक जगह जमा कर देता हूँ सारे के सारे। आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह ये ज़्यादा बन चुके हैं, 300 ग्राम मैदे में। तो प्रेशर कुकर वाले की भी चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से दोस्तों ये भी हमारे तैयार हो चुके हैं, थोड़ा सा ऊपर से कलर कम आया है मगर सही बने हैं। तो इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दोस्तों खारे बिस्किट हमारे तैयार हैं। एक पीस तोड़ के आपको दिखा देता हूँ कैसे बने हैं। एक पीस उठा लेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको तोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बने हैं। तो रेसिपी दोस्तों हमारी तैयार है। रेसिपी अच्छी लगा करें तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, आपको कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।